Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the chapter wise distribution of marks in terms of biology subject for the state board, or you can say HSC board or Maharashtra state board. Okay, so now see syllabus change ho chuka hai aapka, aur aapko bhi pata hai change matlab I mean to say that ki bas kuch chapter add kiye gaye hain. पुराने चैप्टर एज इट इज बहुत सारे वैसे ही मेंशन किए गए हैं बुक में. सो बेसिकली नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज है एंड कहां से लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन दिस सेशन विद द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. नाउ हियर वी विल डिस्कस द यू कैन से यूनिट्स एंड चैप्टर्स एंड मार्क्स विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन मार्क्स, राइट. सो सी ये सारे स्टूडेंट्स के पास होगा, अभी आपको कॉलेज स्कूल ने प्रोवाइड किया ही होगा, लेकिन यहाँ हम डिस्कशन तो करेंगे. जिन स्टूडेंट के पास नहीं होगा वो ये लिख सकते हैं. एंड जब हमारे पास चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो हम उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं. इवन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा चैप्टर स्किप करना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो. तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है. तो देखिए देयर आर 5 यूनिट्स, आपके पास 5 यूनिट्स हैं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं. इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐड किए हैं, इस साल कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं. सो नाउ सी चैप्टर नंबर 1 पहले जैसा था वैसा ही है, पुराने जैसा है वैसा ही एज इट इज है. उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में है, प्लांट्स एंड एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में. मेक अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, रिप्रोडक्शन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है भले ही वो कोई भी बोर्ड में हो. सो रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है दोनों है, दिस इज फॉर द प्लांट्स एंड दिस इज फॉर द एनिमल, दो रिप्रोडक्शन के चैप्टर है. ये दोनों भी हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं. ये विदाउट ऑप्शन है लाइक 6-6 मार्क्स ईच, एंड विद ऑप्शन है 8-8 मार्क्स. सो ये टोटल यूनिट है आपका 12 मार्क्स का. अगर आप ये दो चैप्टर करते हो तो भी आपके 12 मार्क्स बन सकते हैं. वी डिस्कस इन अनदर सेशंस कि आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये. इसके बाद आप देख सकते हो दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये भी एज इट इज ही है, पहले भी था अभी भी है. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स आपको पढ़ना है, पढ़ोगे यहाँ मॉलिक्युलर बेसिस पढ़ोगे एंड फिर इवोल्यूशन पढ़ोगे. नाउ सी अगर देखा जाए तो यहाँ 3 चैप्टर है जो कि 12 मार्क्स आपको देके जाएंगे, और यहाँ आपको अगेन 4-4 ईच एंड 6-6 ईच मार्क्स है. यहाँ 12 पूरे यूनिट को मिला के है, यहाँ 18 है. मतलब आप यहाँ समझ सकते हो यहाँ 2 चैप्टर अच्छे से करने के बाद 12 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ 3 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे. नाउ सी द डिफरेंस कैसे आपको यहाँ डील करना है. नाउ द थर्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है जो ये थोड़ा सा लाइक ये पहले जैसा ही है बट कुछ चैप्टर्स ऐड किए हैं. जैसे प्लांट वाटर रिलेशन, अर्लियर इट यूज टू बी इन द 11th स्टैंडर्ड, जैसे ये भी पहले 11th में हुआ करता था. रिस्पिरेशन इज ऑल्सो लाइक रिस्पिरेशन वॉज ऑल्सो इन 11th स्टैंडर्ड. ये चैप्टर्स कुछ नए ऐड किए हैं इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी. आपको याद रखना है ये अकेला चैप्टर 5 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन अगर ऑप्शन के साथ बात करें तो 7 मार्क्स का है. इवन दिस इज ऑल्सो 5, 5 एंड 7, बट दिस इज विद द 10 मार्क्स बिकॉज इसमें रेस्पिरेशन भी है और सर्कुलेशन भी है. आप किसी एक प्रोसेस के साथ जा सकते हो, अगर आपको रेस्पिरेशन नहीं समझ में आता है तो यू कैन गो विद द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एज इट इज है, राइट. जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है. सो सी द थिंग हियर, इवन आप प्लांट ग्रोथ कर सकते हो, मिनरल ग्रोथ अलग सा चैप्टर है. सो बेसिक अलग सा चैप्टर, आई मीन टू से दैट दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो आप वो चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो. फिर उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप देख सकते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन वाला चैप्टर है, वो ऑल टुगेदर विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन 11 मार्क्स का है. सो आपको ये यहां से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से चैप्टर के साथ जाना चाहते हो. यूनिट 25 मार्क्स का वेटेज लेके जा रहा है, लेकिन आई वुड से इसमें से भी अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को पिक करके प्रैक्टिस करोगे तो इस यूनिट से आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं, और विथ ऑप्शन तो 35 मार्क्स है. मतलब देखिए आप वहां 12 मार्क्स का करिए, यहाँ 12 मार्क्स का करिए, यहाँ 25 करिए, कितने आप ये 3 यूनिट के साथ ही 49 मार्क्स लेके जाओगे आउट ऑफ 70. तो देखिए आपको डिसाइड करना है कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से नहीं. उसके बाद यूनिट इज अप्लाइड बायोलॉजी. नाउ अप्लाइड बायोलॉजी रीड करने में बहुत इजी है, इसमें से याद रखना भी काफी इजी है, बट थोड़ा सा रटना पड़ेगा यहाँ. जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ओनली विदाउट ऑप्शन 3 एंड विद ऑप्शन 4 है. फिर उसके बाद है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन विदाउट 4 विद 6. फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी विदाउट 5 विद 7.
सो ये है टोटल अगेन 12 मार्क्स का यू कैन से वेटेज है इसको, विथ ऑप्शन 17 मार्क्स का है. सो 49 में अगर आप 12 मिला देते हो, सो इफ यू आर एडिंग 49, ऊपर 49 मार्क्स बन रहे थे, इसको अगर 12 ऐड करोगे तो 61 हो जाएगा. मतलब 70 में से 61 भी आप अर्न कर सकते हो, भले ही आप ये तीन चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो तो भी आपको 61 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं करना है. कैसा नहीं करना है? कोई भी चैप्टर अभी इस टाइम पे स्किप मत करिए, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, ये आप मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, एनवायरमेंट ईवीएस जो है, एनवायरमेंटल साइंस आप फिफ्थ से पढ़ते आए हो, तो एटलीस्ट ये बुक से एक बार गो थ्रू करिए कौन से लेवल तक एनवायरमेंटल साइंसेस दिए हुए हैं. चैप्टर से काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. देखिए यहाँ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन 333, अब ये तीनों चैप्टर विदाउट ऑप्शन 3 है और विद ऑप्शन 4 है. मतलब इन अ वे देखा जाए तो ये चैप्टर को सबसे कम वेटेज है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो यूनिट है ये डील करने के लिए काफी इजी है. आप उसको बस एक दो बार रीड करके, जस्ट क्वेश्चन पैटर्न समझ के आप उसको लॉक करके रख सकते हो आपके दिमाग में. यहाँ ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. सो आई वुड से दिस यूनिट इज अ सॉफ्ट टारगेट, ये सॉफ्ट टारगेट होने वाला है. सो ये 9 मार्क्स लेके देखे जाएगा आपको. ओवरऑल देखिए आपको 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, आपको 98 वाला मिलने वाला है. मतलब ओवरऑल 28 मार्क्स आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग डील आई वुड से, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऑप्शन में मिलने वाले हैं. वी विल सी दैट इन नेक्स्ट सेशंस कैसे आप करना है. बट यहाँ याद रखिए, पहली बात तो जब भी आप कोई चैप्टर रीड करने बैठते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट देयर वेटेज, वेटेज देखिए, एंड फिर उसके बाद देखिए कि शॉर्ट आंसर में हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में हो सकता है. लाइक यहां से अगर हम देख सकते हैं तो लॉन्ग आंसर में आपको यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं. लॉन्ग आंसर में आपको यहां से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते गए हैं शुरू से, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, रिप्रोडक्शन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद दूसरा लॉन्ग आंसर आपको पूछा जा सकता है, वो है सर्कुलेशन से. सर्कुलेशन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन रेस्पिरेशन से, बिकॉज नाउ ये इस साल ऐड हुआ है. उसके बाद आप देख सकते हो 3 मार्क्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपको. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन का चैप्टर है, लेकिन ब्रेन के चैप्टर पे एज सच कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है. एज सच मैं बोल रही हूँ, इवन आई का स्ट्रक्चर पूछा गया था एक दो बार, आई का स्ट्रक्चर एक बार पूछ चुके हैं. लेकिन सी हमें यहाँ ये भी सोचना है कि कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए हो सकते हैं, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए हो सकते हैं, तो ऐसा भी तो वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्वेश्चन पेपर में. सो हमें अभी ये समझना है कि एमसीक्यूज में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए या वेरी शॉर्ट आंसर के लिए कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो वी डिस्कस इन अनदर सेशंस, बट यहाँ ये देख लीजिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ, पहले वेटेज देख लीजिए. वेटेज देखने के बाद जस्ट गो थ्रू एक बार वो चैप्टर के साथ डील कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है. एंड देन इफ यू हैव अ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, देन यू कैन गो थ्रू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो. अभी लास्ट ईयर के इस साल पैटर्न चेंज हुआ है, आई एग्री, लेकिन बहुत सारे चैप्टर तो सेम ही है ना, सेम चैप्टर है. जस्ट गो फॉर द जो सेम चैप्टर है उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, कितना ईजी है. सो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. बट यहाँ याद रखिए कि ये आप जब भी अभी आपका प्री बोर्ड का सीजन चल रहा है, प्री बोर्ड के सीजन में आपने बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए. सो नाउ सी दीज आर दी यू कैन सी वेटेज चैप्टर्स यूनिट्स, कौन सा यूनिट पहले पिक करना है पढ़ाई के लिए, कौन से यूनिट के लिए आपको लॉट्स ऑफ रिविजन चाहिए. सो ये सारी चीजें आप स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए, बिकॉज आपकी पढ़ाई कहाँ कौन सी लेवल तक हुई है ये आप अच्छे से समझ सकते हो. तो दीज आर दी यू कैन से, ये हमने चैप्टर वाइज वेटेज पढ़ लिया स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का. अब इन कमिंग सेशन हम लोग पहले तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझेंगे, एंड उसके बाद देन विल डिस्कस कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड फिर हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. एंड यस, इफ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.